हेलो होम ड्रीमर्स, वेलकम बैक टू चिलर होम्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं सेक्टर 11 द्वारका अशोका इंक्लेव अपार्टमेंट में आपके लिए लेकर 3 BHK 3 बाथ का बहुत ही लग्जरी काम किया हुआ फ्लैट। इसे हम द्वारका की सबसे सस्ती डील बोलते हैं क्योंकि 3 BHK 3 बाथ में काम किए हुए फ्लैट इस रेट में बिल्कुल भी नहीं है। फ्लैट देख कर आपको मजा आने वाला है और लोकेशन ये बहुत ही ज्यादा आपकी प्राइम रहने वाली है। बिल्कुल साथ में आपको सेक्टर 11 का मेट्रो स्टेशन, यहाँ से ये रोड जब इस तरफ घूमती है तो आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। बिल्कुल सामने आपको यहाँ पर DDA का पार्क मिल जाता है और इस तरफ रोड से जाते हैं तो हमें यहाँ पर 11 और 12 की मार्केट का संगम मिल जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए दिखाते हैं आपको ये पूरा फ्लैट। तो ये रहने वाली है आपके फ्लैट की मेन एंट्री। स्मार्ट लॉक के साथ आपको यहाँ पर आपकी जो है मेन एंट्री वाला डोर मिल जाता है। 3 BHK 3 बाथ का फ्लैट है। तो जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाता है ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया। बिल्कुल सेपरेट आपको यहाँ पर एल शेप का ड्रॉइंग डाइनिंग मिलता है। अटैच आपकी बालकनी रहने वाली है। बड़ा सा सुंदर सा आपको यहाँ पर LED पैनल मिल जाता है, ये देखिए। और फुल सीलिंग कुछ इस तरह से आपका ऊपर डिजाइन रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको आपकी बालकनी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर ये रहने वाली है आपकी बालकनी, ये देखिए, ये आपकी बड़ी बालकनी रहने वाली है। आपकी ड्रॉइंग रूम से अटैच रहने वाली है। और फ्लैट जो है देखने में आपको पैटर्न समझ में आता है क्योंकि आपकी सोफा सीटिंग इस तरह से यहाँ पे हो जाएगी। सामने आपका डाइनिंग एरिया हो जाएगा। डाइनिंग एरिया को जो आपका वेंटिलेशन है वो आप देख सकते हैं सामने। तो ये देखिए, यहाँ पर आपकी बड़ी बालकोनी रहने वाली है। सामने आपकी सोसाइटी का किड्स प्ले एरिया रहने वाला है। सोसाइटी के अंदर आपको बेसमेंट पार्किंग मिल जाती है। और ये देखिए, यहाँ पर ये आ जाता है आपका ड्रॉइंग और यहाँ पर आपका आ जाता है डाइनिंग एरिया। आपका जो है ये बिल्कुल फुली लोडेड मॉड्यूलर किचन आपको मिलती है। इधर आपका डिश वॉश एरिया, वेंटिलेशन आपके किचन को यहाँ से मिलती है। आपका चिमनी, गैस होब, इधर आपके माइक्रोवेव वगैरह सारी चीजें लगी हुई हैं। ये आपका पेंट्री एरिया है और बिल्कुल यहाँ पर सामने, मतलब आपके किचन के बिल्कुल यहाँ पर आपको आपका डाइनिंग एरिया मिल जाता है। तो आप मतलब जो है सेपरेट आपको ड्रॉइंग डाइनिंग मिल जाता है। और अगर आप डाइनिंग एरिया मतलब थोड़ा उस तरफ करके लगाते हैं या इस तरह से लगाते हैं या थोड़ा लगाते हैं तो उसके बावजूद भी आपका जो है यहाँ पर काफी स्पेस बच जाएगा बीच में से घूमने का। और यहाँ पर आपके एल शेप के सोफा की सीटिंग हो जाएगी। तो मतलब जो है, मतलब फ्लैट के अंदर पूरा सामान आपका जो है सलीके से जच जाएगा। पैटर्न इस तरह का आपको ये मिलता है। तो सबसे पहले अब मैं आपको आपका फर्स्ट बेडरूम दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये रहने वाला है आपका फर्स्ट बेडरूम अटैच बालकोनी के साथ, जो कि आपकी सोसाइटी के किड्स प्ले एरिया जो है, पार्क फेसिंग जो है उसी की रहने वाली है। तो ये आपका फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है। आपकी अलमीरा का स्पेस, यहाँ पर आपको कबर्ड एरिया मिल जाता है और यहाँ पर आपको मिल जाता है वॉशरूम, ये देखिए। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है जो कि आपका अटैच बालकोनी अटैच वॉशरूम के साथ आता है। अब हम चलते हैं सेकेंड बेडरूम में जो कि आपका यहाँ रहने वाला है। तो अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न आपका इस तरह से है। ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया, आपकी किचन और यहाँ पर आपका फर्स्ट बेडरूम अटैच बालकोनी के साथ आ जाता है। सेकेंड बेडरूम अटैच वॉशरूम के साथ आ जाता है। ये आपका थर्ड बेडरूम जो कि आपका कॉमन वॉशरूम के साथ आपका एक्सेस रहता है और ये आपके फ्लैट की मेन एंट्री है। तो चलते हैं सेकेंड बेडरूम में। तो ये देखिए, यहाँ पर ये आपका सेकेंड बेडरूम रहने वाला है। यहाँ पर आपकी जो है आपका यहाँ पर वॉशरूम आपको मिल जाता है। लाइट इस कमरे में जो है अभी नहीं जल रही है, शायद कोई तार वार हटा रखी होगी। तो ये देखिए, यहाँ से जो है पूरा ये इस तरह से आपका व्यू रहने वाला है। वेंटिलेशन है रूम के अंदर इन विंडोज से है, जहाँ पर आपकी जाली वाली विंडो भी लगी हुई है और आपकी ये जो है इस तरह से UPVC डोर भी लगे हुए हैं, मतलब विंडो लगी हुई है। और सामने आपकी जो है 3 कबर्ट आपके जो है पूरे, मतलब प्रॉपर 3 डोर की अलमीरा आपको मिल जाती है। तो बड़े साइज की यहाँ पर आपकी अलमीरा रहने वाली है। इस रूम के अंदर भी अलमीरा जो है वो अंदर ही है, बाहर निकली हुई नहीं है। तो आप रूम साइज देख सकते हो कि आपका जो रूम साइज है वो अच्छा खासा निकल कर आ जाएगा। मतलब आप जो है अपना बेड इस तरह से लगा सकते हैं, यहाँ पर इधर 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 लगा सकते हैं, ऐसे वैसे इधर ही दिया हुआ है। तो आप बिल्कुल जो है ऐसे अपना बेड लगा सकते हैं। तो फिर आपका जो है यहाँ पर ये पूरा स्पेस आपका खाली बच जाता है इस रूम में। तो अब चलते हैं थर्ड बेडरूम में। तो यहाँ पर आ जाता है आपका थर्ड बेडरूम, ये देखिए। तो थर्ड बेडरूम के अंदर भी आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए।
यहाँ पर आपका ये रूम साइज रहने वाला है। और रूम साइज भी जो है तीनों बेडरूम के अच्छे हैं, बहुत ज्यादा छोटे में नहीं कहूंगी, और बिल्कुल आपके जो है प्रॉपर। जो आपका ये वाला रूम है, ये वाला भी आपका 12x13 के आसपास का है, ये वाला रूम भी आपका जो है आपका 11x13 के आसपास का है, और ये वाला रूम जो है आपका ये 11x12 के आसपास का आपका ये वाला बेडरूम है। और तीनों में अलमीरा का स्पेस अंदर है, बाहर निकली हुई अलमीरा नहीं है, आपके रूम का स्पेस खराब नहीं होता। और यहाँ पर आपको मिल जाता है ये कॉमन वॉशरूम। तो इस 3BHK 3 बाथ के ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट की डिमांड है केवल 2,31,00,000 रुपए। तो मार्केट का सस्ता फ्लैट इसे बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो फ्लैट है आपका लोएस्ट प्राइस में है, इंटीरियर डन आपका ये फ्लैट है, सेक्टर 11 की लोकेशन है, जहाँ पर आपको मार्केट, मेट्रो, DDA का पार्क, सारी चीजें बिल्कुल पास में मिल जाती है। सेंटर में आपकी ये लोकेशन रहने वाली है द्वारका के। तो बिल्कुल रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप इस फ्लैट के लिए क्वेरी कर सकते हैं। चिलर होम्स की पूरी टीम आपके साथ है आपको हैसल फ्री वे से घर देने के लिए। तो बिल्कुल आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारे नंबर्स नीचे दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर आपके शो हो रहे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।